हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्वेताज किचन। आज मैं आपके साथ पाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं और इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की कितनी ज़रूरत पड़ेगी और इसे हमें कैसे बनाना है वो सब मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगी, जिससे आपके पाव बेकरी से भी बहुत अच्छे बनेंगे, एकदम सॉफ्ट, स्पॉन्जी और जालीदार बनेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पाव बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ ले लेते हैं एक बाउल और उसमें हम आधा कप गुनगुना पानी डालेंगे। ये पानी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, गुनगुना पानी ही हमें इसमें यूज़ करना है। अब इसमें हम डाल देते हैं 3 चम्मच चीनी। तो यहाँ पे हमने चीनी डाल दी है और उसके साथ में अब हम डालेंगे ये 1 चम्मच ईस्ट। तो यहाँ पे हमने 1 चम्मच डाला है और इसी का हम 1/4 ले लेंगे। तो यहाँ पे 1 1/4 चम्मच हमने ईस्ट डाल दिया है। अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं पानी में और यहाँ पे चाहे तो आप इंस्टेंट ईस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। और जब भी आप ईस्ट ले तो अच्छी ब्रांड का, अच्छी क्वालिटी का ही ले, जिससे आपके बेकरी आइटम बहुत ही अच्छे बनेंगे और परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ पर हम इसे ढक करके रख देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए, जिससे जो ईस्ट है वो अच्छे से एक्टिव हो जाएगी। ये डिपेंड करेगा ईस्ट के ऊपर। यहाँ पर मेरी जो ईस्ट है उसे एक्टिव होने के लिए 15 मिनट का टाइम लगता है। तो यहाँ पे 15 मिनट हो गए हैं। ये देखिए ईस्ट कितने अच्छी तरह से एक्टिव हो गई है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। इसी तरह से ईस्ट को जो है एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपके कोई भी बेकरी आइटम या पाव हो चाहे ब्रेड हो वो बहुत ही अच्छे बनेंगे। अगर आपकी ईस्ट इस तरह से एक्टिव नहीं होती है तो जो भी आप बेकरी आइटम बना रहे हैं उसको वहीं पे रोक दीजिए और फिर से ईस्ट को एक्टिव होने के लिए रखिए। जब ये एक्टिव हो जाए तो ही आप आगे की प्रोसेस कीजिए। तो यहाँ पर अब हम ईस्ट वाले बाउल को अलग रखते हैं और यहाँ मैं ले लेती हूँ एक वेइंग स्केल, यहाँ पर ये मेरे पास है। तो अगर आपके पास नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर ही मैं आपको एक मेज़रमेंट बता देती हूँ। तो यहाँ 127 ग्राम मैंने मैदा लिया हुआ है। तो यहाँ पर इस कप की मेज़रमेंट से मैं मैदा लूँगी। इससे क्या होगा, जो भी हम बेकरी आइटम बनाते हैं तो एक परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ बनाते हैं तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा पतीला ले लिया है और इस कप से मैं 2.5 कप मैदा लूँगी। तो यहाँ पर ये 1 कप मैंने ले लिया है और उसी कप के मेज़रमेंट से ये दूसरा कप और उसी का हम ले लेंगे 1/2 कप मैदा। तो यहाँ हम इसमें डाल देते हैं। अब इस मैदे में हम ऐड कर देते हैं थोड़ा सा नमक। तो यहाँ 1 चम्मच का मेरा मेज़रमेंट है, तो 1 टीस्पून मैं सॉल्ट इसमें यूज़ कर रही हूँ और साथ ही साथ हम उसी स्पून का यूज़ करेंगे और उसमें ऐड करेंगे ये मिल्क पाउडर। इससे जो टेक्सचर है पाव का वो बहुत ही अच्छा आता है। वैसे तो ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डालें, लेकिन मिल्क पाउडर डालने से टेक्सचर और टेस्ट दोनों ही बहुत अच्छा आता है पाव का। इसमें हम एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, ब्रेड इम्प्रूवर, लेकिन अगर आप घर के लिए बना रहे हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। और अगर आप कमर्शियल पर्पज से बना रहे हैं तो इसमें आप 2 ग्राम जो ब्रेड इम्प्रूवर पाउडर होता है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये ऑनलाइन और मार्केट में दोनों में ही अवेलेबल है। इससे आपकी जो पाव या फिर ब्रेड है वो काफ़ी स्पॉन्जी जालीदार बनते हैं और उनको अच्छी हाइट भी मिलती है। तो यहाँ पर अब हम ये ईस्ट वाला पानी आटे में डाल देते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें और पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसमें ऐड करेंगे। तो हमें इसको अच्छी तरह से गूंथते हुए इसका सॉफ्ट डो लगाना है। ये जो डो रहेगा ये थोड़ा सा गीला ही रहेगा, इसे हमें हार्ड नहीं करना है। यहाँ पे जो डो है वो थोड़ा सा ड्राई लग रहा है तो इसमें हम गुनगुना पानी ऐड करेंगे। तो गुनगुना पानी ऐड करते हुए ही हम इसका जो है डो लगाएंगे पाव का। और अगर आपको जो डो है वो थोड़ा सा हार्ड लगता है तो आप बीच में पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके, देखिए जो डो है ये मैंने हार्ड नहीं रखा है, ये इस तरह से हमें गीला ही इसको रखना है, जिससे पाव बहुत ही अच्छे बनते हैं। अब इस आटे को हमें अच्छी तरह से 10 मिनट तक करीब गूंथना होगा, जिससे जो पाव है वो सॉफ्ट और जालीदार बने। अगर आपके पतीले में आपको गूंथने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप प्लेटफॉर्म के ऊपर भी अच्छी तरह से इसको चिकना कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे गूंथते हुए करीब 10 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम 1 टीस्पून ऑयल डाल देंगे। अब इस डो को हम चिकना कर लेते हैं। अगर आपका डो ज़्यादा स्टिकी लग रहा है, हाथों में चिपक रहा है, तो आप इसमें मैदा डस्ट कर लीजिए या फिर इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डाल करके इसको लगा लीजिए, जिससे जो डो है वो चिकना हो जाएगा। या फिर आप ये स्क्रैपर की हेल्प भी ले सकते हैं। अभी यहाँ पर हम 1 चम्मच ऑयल डाल देते हैं आटे में और हाथ में भी ऑयल को ग्रीस करते हुए इसे अच्छे से चिकना कर लेंगे। तो अभी आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। और इसी तरह का डो हमें पाव के लिए लगाना है। तो यहाँ पर अब हम इसको थोड़ा सा चिकना कर लेते हैं और अब हमारा ये जो डो है वो रेडी है। फिर इसको अब हम रखेंगे फर्मेंट होने के लिए। अब यहाँ जो डो है वो रेडी है। अब यहाँ पर हम एक बाउल ले लेते हैं
इसमें हम एक चम्मच तेल डाल के इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे सबसे पहले सभी साइड से। यहाँ पर मैंने हाथों में ऑयल लगा लिया है। अब इस डो को हम हाथों में लेकर के चिकना करेंगे और इसको अंदर की तरफ दबाते हुए इसको सील करेंगे अच्छी तरह से। इस तरह से हम इसको सील करेंगे और उसके बाद हम इसमें बाउल में इसको डाल करके अब इसको रख देंगे हम 45 मिनट्स के लिए। आप 30-45 मिनट्स के लिए इसको रख दीजिए प्रूफिंग के लिए, जब ये डबल हो जाएगा और उसके बाद फिर हम इसे निकालेंगे। आप इसे किसी गर्म जगह पे रखिए या फिर आप इसे किचन काउंटर पे भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो अवन है मैं उसके अंदर ये बाउल को रख देती हूँ। यहाँ पर मैं इसे 45 मिनट्स के लिए रखूँगी और इसको अब हम किसी कपड़े से कवर कर देते हैं। बस ध्यान रहे कि अवन को चालू नहीं करना है। तो देखिए 45 मिनट्स हो गए हैं और ये जो आटा है ये फूल करके भी डबल हो गया है। तो आप देखिए यहाँ पे 45 मिनट्स में ही ये डबल हो गया है। अगर आपकी ईस्ट अच्छे से एक्टिव होती है और अच्छे ब्रांड की होती है तो देखिए ये इतने जल्दी ही हमें इसका रिजल्ट मिल जाता है। अब यहाँ पर मैंने एक बाउल में ऑयल और एक कप में सूखा मैदा ले लिया है। तो अब हम इसके ऊपर डो के ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट कर लेंगे और हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा करके हमें इसकी हवा निकालनी है। इसको हमें इस तरह से पंच करना है आटे को। तो इस तरह से आप प्रेस करते हुए इसकी जो सारी हवा है वो निकाल देंगे और इसको अब अच्छी तरह से हम वापस एक बार और चिकना कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं जो डो है वो बहुत ही अच्छी तरह से प्रूफ हो गया था। तो यहाँ पे हमने डो को अंदर की तरफ दबाते हुए इसे चिकना करना है। तो अब यहाँ पे जो डो है वो रेडी है। अब हम इसके छोटे छोटे पार्ट्स करेंगे और उसके बाद हम इसका पाव बनाएंगे। तो अब यहाँ पे हमारा आटा रेडी है। हम ले लेते हैं यहाँ पे एक टिन। तो यहाँ एल्यूमिनियम का मैंने टिन लिया है। ये मेरा 7 इंच का है, ये मेरा 7 स्क्वायर टिन है। तो यहाँ पर ये मैंने बेकिंग टिन ही यूज़ किया हुआ है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून ऑयल और इसको हमें ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है जिससे जो पाव है वो इजीली डीमोल्ड हो सके। तो यहाँ मैं एक ब्रश की हेल्प से इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लेती हूँ। इसको हमें सभी साइड से अच्छी तरह से ग्रीस करना होगा। अब थोड़ा सा सूखा मैदा हम डस्ट कर लेंगे सभी साइड से और जो एक्स्ट्रा मैदा होगा उसे हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से आप जो एक्स्ट्रा मैदा है वो निकाल लीजिए। इससे क्या होगा कि पाव चिपकेंगे नहीं और इजीली डिमोल्ड हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं वापस से एक वेइंग स्केल और इसके ऊपर अब हम रखते हैं ये प्लेट और इस डो का हमें छोटा छोटा पार्ट लेकर के हमें इसका मेजरमेंट लेना है ताकि जो हमारे पाव है वो बिल्कुल एक जैसे बने। तो इस तरह से आप इसको एक छोटा सा पार्ट ले लीजिए। तो ये देखिए ये 58 का है, इसको हमें 50 करना है। 51, 52 तक भी रहेगा तो भी चलेगा। तो इसे हमें इतने ही साइज़ का बनाना है। तो ये देखिए तो ये हमारे लिए परफेक्ट है। तो हम हाथों में थोड़ा सा पहले ऑयल लगा लेते हैं और इसको अंदर की तरफ हमें इस तरह से फोल्ड करना है, इसको सील करना है और उसके बाद इसको हमें चिकना करना है। तो ये देखिए ये दोनों उंगलियों के बीच में इस तरह से रख करके इसे आप चिकना कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने 52-53 का साइज़ लिया है। आप ये डिपेंड करेगा कि आपका ट्रे कितना बड़ा है और आप कितना बड़ा पाव बना रहे हैं। आप 60 का मेज़रमेंट लेकर के भी बड़ा पाव बना सकते हैं और यहाँ पे आप 40 का मेज़रमेंट लेकर भी आप छोटा पाव बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा 7x7 का जो टिन है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर ये 50 का मेज़रमेंट लेके चल रही हूँ। तो यहाँ पर हम सेम मेज़रमेंट से ही पाव बनाएंगे ताकि जो पाव है वो सारे एक जैसे बने। तो जितना मेज़रमेंट हमने पहले लिया था उतना ही अब हम छोटा सा डो में से एक पार्ट ले लेंगे और उसको भी हम वापस से मेज़र करेंगे। तो जब भी आप बेकिंग करें, कोई भी बेकरी आइटम्स बनाएं घर पे, तो हमेशा मेज़र करके ही ले जिससे आपकी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही अच्छी बनेगी। तो बेकिंग में हमेशा मेज़रमेंट आपका परफेक्ट होना चाहिए जिससे जो चीज़ें हैं और पाव है चाहे ब्रेड हो चाहे आप जो भी बना रहे हो वो आपके बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो इस तरह से हम दूसरा भी पाव रेडी कर लेते हैं और बाकी के भी हमें इसी तरह से कर लेने हैं। तो इस तरह से आप इसको चिकना करेंगे और इसको टिन में रखते जाएंगे। तो ये दूसरा पाव भी रेडी है और इसको हमें जो है चिपका के रखना है, हमें ज़्यादा डिस्टेंस नहीं देनी है। इससे क्या होगा जो पाव है उसको अच्छी हाइट मिलेगी। तो आप इसको इस तरह से चिपका करके भी रख सकते हैं और यहाँ पे आप बड़े साइज़ का भी पाव ले सकते हैं जिसमें आपके एक रो में 3 पाव आराम से आ जाएंगे। और यहाँ पर अब हम सेम साइज़ के बाकी के भी पाव बना लेंगे। और अगर आपके पास वेइंग स्केल नहीं है तो आप अंदाजे से भी ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे उस सेम साइज़ के छोटे छोटे बॉल्स बना करके भी ले सकते हैं।
तो यहाँ पर मैंने 7 इंच के टिन में ये 12 पाव बना करके रेडी कर लिए हैं। ये मैंने सेम साइज के ही बनाए हैं। अब हम इसको 1.5 घंटे के लिए प्रूफिंग के लिए रख देते हैं, जब तक ये साइज में डबल ना हो जाए। इसे आप गर्म जगह पर वापस रख दीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये फूल करके भी डबल हो गए हैं। अब इसके ऊपर हम लगा देते हैं ये मिल्क। तो इसे हमें बहुत स्लोली स्लोली ही लगाना है, हमें इसे ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। आप चाहे तो इसके ऊपर ऑयल भी लगा सकते हैं। मिल्क लगाने से जो पाव का कलर है वो बहुत ही अच्छा सा आ जाता है। यहाँ पर पाव रेडी है बेक होने के लिए। यहाँ पर मैंने अवन को भी प्रीहीट कर लिया है 200°C पे। हम पहले 10 मिनट इसको प्रीहीट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पाव को रख दिए हैं अवन के अंदर बेक होने के लिए 200°C पे 15 मिनट के लिए। ये डिपेंड करेगा ओवन पे। तो यहाँ पर देखिए पाव बेक हो चुके हैं। 15 मिनट हमने इसको बेक किया है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब इसको थोड़ा सा शाइन हम देने के लिए इसके ऊपर लगा देंगे ऑयल। आप चाहे तो यहाँ पे बटर का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑयल लगा रही हूँ। तो अभी आप यहाँ पे पाव को देख सकते हैं, ये काफी अच्छे और सॉफ्ट बने हैं और इसका कलर भी बहुत ही बढ़िया सा आया है। अब किचन टॉवल से हम पाव को थोड़ी देर के लिए ढक करके रख देते हैं ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, क्योंकि बेक होते टाइम ऊपर से थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। तो 5 मिनट रखने के बाद हम इसे हटा लेते हैं और नाइफ की हेल्प से हम इसकी एजेस को इस तरह से निकाल लेते हैं ताकि ईजिली डिमोल्ड हो सके पाव। तो आप नाइफ की हेल्प से पहले इसको आजू बाजू से निकाल लीजिए। अब हम टिन को पलटा करके इसको निकाल लेंगे, डिमोल्ड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो पाव है हमने उसे निकाल लिया है और कितने अच्छे और जाली आई है इसकी, और ये काफ़ी स्पॉन्जी भी बने हैं और सॉफ्ट भी बहुत बने हैं। अब मैं आपको इसे पास से भी दिखा देती हूँ। ये देखिए कितने बढ़िया सी जाली आई है और काफ़ी स्पॉन्जी बने हैं। ये देखिए इतने अच्छे से प्रेस हो रहे हैं और ऊपर भी उठ रहे हैं। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसकी हाइट देखिए, इसकी हाइट भी बहुत ही अच्छे तरीके से आई हुई है। आप इसी तरह से घर पर पाव बनाइए, आपको बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। और यकीन मानिए ये बेकरी से भी बहुत अच्छे बने हैं और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। ये देखिए आपको यहाँ पे इसकी जो जाली आई है, इसका जो परफेक्ट टेक्सचर आया है, ये बहुत ही अच्छा आया है। तो आप इसी तरह से घर पर बनाइए। और अगर आपको मेरी रेसिपी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।